गुड इवनिंग इंडिया। साल का ये वो वक्त है जब एग्जामिनेशन सीजन आता है। एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे किस विषय में रुचि है, मेरा आखिरकार पोटेंशियल क्या है, मुझे पता लग जाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसे हम उत्सव की तरह लें। क्या हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ताकि जो मेरा पोटेंशियल है मैं उस तक परफॉर्म कर सकूं? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे रश्मि बिस्वाल जी का, आप प्रिंसिपल हैं डीएवी पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि से, स्वागत है आपका मैडम। मनीषा राजलानी जी हमारे साथ हैं, आप बायोलॉजी की टीचर हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय से, आपका भी स्वागत है। और साथ ही पूनम मिश्रा जी हैं, आप साइंस पढ़ाती हैं भारती पब्लिक स्कूल से, आपका भी स्वागत है मैडम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो यू ऑडियंस हमारे साथ है ही मैडम डीएवी पब्लिक स्कूल की। सबसे पहले आप बताइए, जो एग्जामिनेशन सीजन आता है घबराहट लाजमी है स्टूडेंट्स में, तो इसे मैनेज कैसे करें फिर? देखिए बेसिकली तो इट इज प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एंड इट हैज टू बी डन टाइमली, बट देर आर सम चिल्ड्रन हु डोंट डू इट ऑन टाइम, सो पैनिक अटैक उन्हीं बच्चों को ज्यादा होता है। जो वेल प्लान्ड है, लास्ट दो साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा दिक्कत तो होती नहीं है, लेकिन जो बैक बेंचर्स हैं और इन टाइम नहीं कंप्लीट करते उनको प्रॉब्लम होती है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ डॉक्टर कलाम स्टेटमेंट दैट द बेस्ट ब्रेन सिट ऑन द लास्ट बेंचेस। यस, एंड इवन इफ यू सी द सक्सेस रेट ऑफ ऑल द टॉपर्स, दे डोंट सक्सीड सो मच एज द एवरेज स्टूडेंट सक्सीड्स इन लाइफ, so that's also a very good average that we should remember. ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जरूरी नहीं कि जो 90-95% ला रहा है तरक्की उसने ही करनी है, वो भी अच्छा करेंगे, लेकिन जो 50-60% ला रहे हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं मनीषा जी। लेकिन बायोलॉजी की अगर बात करें, 10 दिन की छुट्टी है उससे पहले, 5 अप्रैल से पहले, तो अभी पढ़ने की जरूरत है या उन्हीं 10 दिन में कवर हो सकता है कोर्स? पढ़ने की तो हमेशा जरूरत रहती है, तैयारी हमारी होनी चाहिए पहले से, लेकिन इन 10 दिनों को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम स्ट्रैटेजी बना के काम करें। और हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, 3-4 चीजें अगर मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। सबसे पहले चीज, शुरू के 5 यूनिट्स हैं बायोलॉजी में, हर दिन एक यूनिट थॉरली रिवाइज करें एनसीईआरटी से। मैं बच्चों को भी ये कहती हूँ, एनसीईआरटी इज लाइक बाइबल गीता फॉर यू, राइट? जो एक एक लाइन पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश, हाँ आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश, सब कुछ है वो। और फिर बाकी के जो 5 दिन आपके पास बच रहे हैं उसमें से 2 दिन आप क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर आपके स्कूल में मॉक टेस्ट बोर्ड्स प्री बोर्ड्स के पेपर्स हुए हैं उनको करिए, और टाइम मैनेजमेंट के साथ करिए। जी तो बिल्कुल आपसे पूछेंगे और कैसे हम प्लान कर सकते हैं। पूनम जी, मैं इससे पहले आपसे सवाल करूं, मैं चाहूंगा मानसी आप बताइए आपको किस विषय से डर लगता है? सर फिजिक्स से। फिजिक्स यानी साइंस? यस। मैडम आप साइंस की टीचर हैं, विद्यार्थियों को साइंस से अगर डर लगे तो सोल्यूशन क्या है? नहीं बेटा, अगर एक बार डर गए तो फिर तो आप इस जंग को हार गए समझ लीजिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है, जिस चीज से हमें ज्यादा डर लगता है तो क्या किया जा सकता है, उसके ज्यादा प्रैक्टिस देना पड़ेगा। मुझे अमाउंट ऑफ टाइम जो मैंने डिवाइड किया हुआ है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो मुझे फिजिक्स के लिए, जैसे ये बच्ची कह रही है कि उसे फिजिक्स में डर लगता है, तो उसे फिजिक्स में थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। जी तो डरिए बिल्कुल नहीं, लेकिन ये भी सच है कि हर विद्यार्थी का कोई ना कोई पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, और एक सब्जेक्ट होता है जिसमें शायद उतनी रुचि नहीं, लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है। यदि आपको कोई डर घबराहट है या आप कोई अपनी रणनीति बनाना चाहते हैं तो आप हमें फोन करिए सीधा, आप हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, दिल्ली का एसटीडी कोड 0111-23097524, दैट 0112309-7524। यस, इफ यू कुड पास ऑन द माइक योर क्वेश्चन प्लीज। I would like to ask that you said in the starting that marks doesn't really matter. So don't you think that there is so much of expectation and competition that students are so much pressured to gain marks? आपसे अपेक्षा ज़्यादा कौन करता है? Parents, teachers या principal? So parents obviously. Teachers, they don't think it doesn't matter to them if I succeed. तो आप 9वीं में हैं, परसों से आपके इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, आईटी का पहला पेपर, माँबाप की इस बार अपेक्षा क्या है आपसे? 90 or 90 obviously. और आपकी अपनी खुद की? I think I should just learn all the things, even if I don't score marks, I should. Ma'am, that's a brilliant question. A story, घर घर की कहानी। रश्मि जी क्या करें? Basically हम तो counseling parents की बहुत करते हैं, explain करते हैं, we tell them about the different courses that are available, the different episodes which they come across, like we come across in life, and we see children failing and creating so much of mess for themselves. We do a lot of counseling with parents, we do a lot of counseling with students. We show them the different career guidance that we can give. क्या कहते हैं आप पेरेंट्स को, क्या कहते हैं? We tell them that expectations इस तरह मत रखिए, check out the capability and the ability of your own child. That is more important than anything else. अगर वो कहें कि 90-95 नहीं आए तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला कैसे होगा, जहां कट ऑफ 100% का जाती है? We have to tell them about the different opportunities that are there for a student who has not performed well also. तो मनीषा मैम, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं आखिरकार समझूं कि इसका उद्देश्य क्या है। और अगर मेरी रुचि मान लो आईटी में है, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया,
पहले 90% नहीं भी ला पाया, फिर भी ठीक तो है। मैंने आपका यही प्रोग्राम पहले देखा हुआ था जिसमें आप एक लेटर पढ़ रहे थे जी, जिसमें एक प्रिंसिपल अपने पेरेंट्स के लिए एक लेटर लिखती हैं जी कि आप बच्चों को एम्फसाइज मार्क्स के मत कीजिए, मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए जी, क्योंकि प्रेशर एक लेवल तक ठीक है। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप उसकी वायर ज्यादा टाइट कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा जी, और लूजन कर देंगे तो म्यूजिक नहीं आएगा जी। तो आपको एक राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर नहीं कहूंगी मैं, उसको मोटिवेशनल फोर्स बोलूंगी, वो जरूरी है जो आपको आगे ले जाए तो लाइफ में। फाइन ट्यूनिंग क्या स्टूडेंट मान लीजिए अपने आप ही कर सकते हैं, नाइन्थ क्लास में जो आ गए? सबको सब मिलके करेंगे, यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल है, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है और बच्चे का पीयर ग्रुप जो है, उन सबको मिलकर के ये करना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सक्सेस। तो सक्सेस तो किसी भी फील्ड में हो सकती है, एज अ टीचर इफ आई एम सक्सेसफुल इट्स गुड। कौन मेरे नंबर पूछ रहा है? आपने मुझसे नहीं पूछा यहाँ बुलाने से पहले कि आपके मार्क्स कितने आए थे। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है आप ये बात बड़ी पसंद आई विद्यार्थियों को। थैंक यू जी। आपका सवाल। गुड इवनिंग, आई एम प्रकृति फ्रॉम डीएवी पुष्पांजलि। एज वी ऑल नो दैट देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग हार्डवर्क मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर वेल, सो व्हाट आर द टिप्स दैट शुड बी गिवन टू ऑल सच स्टूडेंट्स? आप कितने घंटे पढ़ती हैं दिन में? आई एम थ्री आवर्स। एग्जाम में बढ़ जाता है वो आंकड़ा? यस। कितने घंटे? Approx 4 hours। और WhatsApp, Facebook, Twitter मिला के? Not at all, no social media। पूनम जी, अच्छी रणनीति क्या है? अब जब एग्जाम सीजन है तो दिन में कितने घंटे पढ़े विद्यार्थी? देखिए घंटा मैटर नहीं करता है, कि हाउ मेनी आवर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इफ आई एम हैविंग द बुक इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम सिटिंग देयर फॉर 5 hours, विल दैट मैटर? दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। सो लेट्स नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इट इज हाउ मच आई एम गोइंग टू कंसेंट्रेट इन दोज आवर्स। इवन इफ आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours लेट्स से, but I have given my whole 100% and I think it is enough, okay. But not sitting there idly thinking of something or maybe the phone is near me, then those hours are not going to matter. But social media ek distraction hai aaj bachcho ko? Yes, to a very level. If I talk as a teacher also and even if I'm talking as a parent also, social media to hai. To Rashmi ji, bahut zaruri hai ki mobile ko darkinar kare kam se kam mahina do mahina. Yes, distractions kam honi chahiye, it can be used as a break in between. 10-15 मिनट आपने ब्रेक लेना है, उसमें आपने चेकआउट कर लिया, इट्स ओके। इट शुड नॉट बी यू नो हावी आपके सर माथे पे, नहीं होना चाहिए वो जी, तभी जाके वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा जी। अगले सवाल लेते हैं जी। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम पेपर देते हैं तो कुछ कई बार ये होता है हमारे क्वेश्चन स्लिप हो जाते हैं और हम पैनिक हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए? ये हर एक विषय में होता है आपके साथ? किसी विषय में। ओके, कोई और भी है जिसे लगता है कि आप पैनिक हो जाते हैं एग्जाम में जाते वक्त या भूल जाते हैं? मेजोरिटी रश्मि मैम, That's an indication that you have not really prepared well, or might be you have not strategized your answering techniques in a proper manner. Had you learnt it and written it and then practiced, probably the result would have been a very different one. So even if it slipped out, doesn't matter. Kuch grade hi to kam hoga, kuch marks hi to kam honge. You can always achieve it in the next exam. And life has got continuous exams. तो मैडम मान लो बायोलॉजी के पेपर में गए, पेपर आ गया, 15 मिनट मुझे पहले मिलते हैं पढ़ने के लिए, 15 मिनट मैंने देखा मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं आता, पैनिक तो लाजमी है, तो क्या वाकई मुझे नहीं आता? या साल भर हर एक विद्यार्थी क्लास भी जाता रहा है, आता है, फिर कॉमन सेंस भी है, अगर मैं मैनेज करूं तो मैं वहां से भी मैनेज तो कर सकता हूं। बिल्कुल, आप थ्री इडियट्स की तरह ऑल इज वेल करिए और शुरू हो जाइए, बिकॉज रोक के करिए या हंस के करिए, एंड ऑफ द डे आपको करना है। तो आप अगर अपने को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको करना है और यू आर द वन, हमारे संस्कृत में भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो हमें पता है कि हमारे अंदर सब कुछ है, यू जस्ट वॉन्टेड टू टेक इट आउट, और वो 15 मिनट्स आप अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लीजिए, स्टार्ट कीजिए अपनी स्ट्रेंथ से, धीरे 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 जब आपको लगेगा आपने इतना कर लिया देन यू विल थ्रू। पर ये बताइए, जैसे आप तो आप बायोलॉजी के टीचर हैं, पर जब आपने खुद एग्जाम दिए थे 9वीं 10वीं 12वीं के, आपके साथ भी होता था बतौर स्टूडेंट की गए और भूल गए? एक्चुअली सर, हम उस टाइम के हैं जब ने 8th में भी बोर्ड दिया, 10th में भी दिया, 12th में भी दिया, तो बोर्ड इज लाइक जस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल में भी देते हैं एग्जाम, वैसे भी देते हैं। हाँ, वही वाली बात है कि थोड़ी सी एक आपको ये केयरफुलनेस होनी चाहिए, केयरलेसनेस नहीं कि ठीक है एग्जाम है, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। और एक अगर मैं बताऊं तो मेरा फंडा है 5 M's, जैसे 5 R's होते हैं ऐसे 5 M's है। सबसे पहले मेडिटेट, ज्यादा नहीं, पढ़ने बैठने से पहले 5 से 10 मिनट आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, यू विल वर्क बेटर। दूसरा, मेंटेन अ स्केड्यूल, एक टाइम टेबल होना चाहिए, स्लॉट बनाइए कि मुझे इतने बजे इतने बजे इतने बजे ये करना है, और उसको सामने पेश कीजिए, पुट टिक एवरी टाइम यू फॉलो इट, वो टिक वहां नहीं आपके दिमाग पे लग रहे होते हैं कि यू हैव अचीव समथिंग। थर्ड थिंग कम्स कि आपको एक मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल,
कि जंक फूड से बचना है ड्यूरिंग एग्जाम्स, अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैनेज टाइम. एंड लास्ट, म्यूजिक. इन बिटवीन जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, फेवरेट म्यूजिक सुनिए. जी, आइए और कुछ सवाल लेते हैं. जी, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज समीक्षा एंड टुडेज माय क्वेश्चन इज दैट एज सीबी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कमिंग अगेन, सो इट्स अवर फर्स्ट टाइम टू appear for the examinations, and the government has also said that this time the CBSE will not prepare the papers and a different organization will be made for preparing papers. So we are also giving the papers first time and they will also prepare it, so will it affect our results? So aap 9th mein aap keh rahe hain agle saal se lagu ho jayega wapas, par aapke hisab se grading better hai ki marks aane chahiye? Sir, education pass ho jao jo bhi ho jaye. Madam, see, even if some other agency is going to prepare the question paper, there are also going to be some teachers only. So we need not worry that who is going to prepare. My content is ready. I am exam ready. Yes. Then I am, whoever is going to ask, whoever is there, it does not matter. बिल्कुल सही. तो अगर खासतौर पर साइंस के विषय की बात करें नौवीं दसवीं में, कैसे अप्रोच करें जैसे कि हमें रुचि आ जाए थोड़ा इस विषय में? देखिए, मुझे ये लगता है कि सिर्फ साइंस को लेकर के उसी में रुचि करनी है, ये शायद ये हमारी एक मानसिकता है कि भाई हमारा बच्चा अगर बहुत अच्छा है पढ़ने में तो आई वुड डेफिनेटली थिंक दैट माय चाइल्ड शुड गो फॉर अ साइंस स्ट्रीम. लेकिन अगर बच्चे में खुद एप्टीट्यूड है साइंस के प्रति, उसकी है, उसका इंटरेस्ट है, तभी उसे साइंस के लिए परस्यू करना चाहिए. अदरवाइज एटलीस्ट नाउ अ डेज इट इज नॉट दैट दी स्टूडेंट्स हु आर इन साइंस स्ट्रीम दे आर ओनली डूइंग द बेस्ट. इन ऑल दी स्ट्रीम्स वी हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज. जी, यस sir, it is often seen that students also play during examinations, so playing outdoor games can also prove as a distraction from examination or not? Yes, it can, it should. It releases all your stress. It's very important that you should have something that you can do it, but then time management is your cup of tea. You should know how to manage time. But outdoor exercise is important. Yes, it is for so many children. It is for many children, might be music will help. It depends from person to person. जी, तो जरूरी नहीं कि डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन यह है कि भाई आपको मैनेज करना होगा कि कितनी देर, और ये भी जरूरी है कि हम इंजर्ड ना हो. जी, आपका सवाल. सीबीएसई रोल बैक होने से पहले हमारे पास ज्यादा टाइम था कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज कर सके. अब जैसे सीबीएसई रोल बैक हो गई है तो हमारे पास अब हमारे मार्क्स के उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, हमको अपनी मतलब स्टडीज को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली से सबने बोला कि मार्क्स को इतनी इंपॉर्टेंस लाइफ में, मार्क्स से ज्यादा हमारी कैपेबिलिटी है, तो ये तो उल्टा हो रहा है. फिर मार्क्स से ज्यादा हमको अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा मार्क्स की तरफ ही जाना पड़ रहा है, तो एडवांटेज क्या है? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई प्रिज्यूम बेटा इट डिपेंड्स बेसिकली बिकॉज अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन इन क्लास 12th यू हैव टू अपीयर फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन. So there is no end to it. The schools are not going to stop your activities or any other co-curriculars that you are having. Only the grading which is varied now. It's more focused on the syllabi. And it is going to be a complete syllabus which is going to come. And we expect you to sit down and work more hours. That's only difference. बिल्कुल, और ये सब कुछ लर्निंग से जुड़ता है, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि कोई नई चीज भी आ रही है, प्रणाली भी आ रही है, तो पहला मौका आपके पास है, पहला अवसर आपको मिलेगा. जी, आपका सवाल. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, माय नेम इज अलीना, आई एम फ्रॉम डीए पुष्पांजलि. We are compared with others and our marks are discussed with our relatives. How can we deal with it? देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रिलेटिव. जब मार्क्स कम आते हैं तो रिलेटिव सामने आ जाते हैं. पर मनीषा जी, ये रिलेटिव अगर पूछे तो कोई भी कुछ पूछे, मेरा रिस्पॉन्स निर्धारित करेगा कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं. बिल्कुल ठीक बात. और अगर कोई बहुत ज्यादा पूछता है तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि हाँ, मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कि आप मेरी हेल्प करेंगे? आपने तो कितना स्कोर किया था? नेक्स्ट टाइम मेरे हिसाब से वो अगर अच्छा स्कोर किया तो आपको सही गाइडिंग मिलेगी, और नहीं है तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन नहीं होगा. बिल्कुल. तो इट इज एंड ऑफ द डे आपका खुद का अनुभव या आप क्या बनना चाहते हैं वो मैटर करता है, नोबडी एल्स. बिल्कुल, यू आर अकाउंटेबल आंसरेबल टू योरसेल्फ, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनीवन. तो जहां एक व्यक्ति साइंस को कह रहा था कि मुझे थोड़ी घबराहट होती है, आपसे पूछना चाहूंगा, आप कह रहे थे कि साइंस आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो कैसे चयन करते हैं, आपको फेवरेट लगता है कोई सब्जेक्ट, कैसे आसान है विज्ञान? ये मैटर करता है अपने जो पर्सन, अगर इंडिविजुअल है कोई, वो अगर उसका इंटरेस्ट अगर साइंस में है तो वो साइंस को वो अपनी इंटरेस्ट मान लेगा और उसमें चला जाएगा, उसको उसमें ही रुचि आएगी. लेकिन अगर किसी का मैथ्स है तो वो मैथ्स में जाएगा. लेकिन जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरे को साइंस ही क्यों पसंद है, ये मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर कहाँ से आया, लेकिन मेरे को साइंस में लाइक आई फील गुड व्हेन आई स्टडी साइंस. तो जैसे अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही पिछले हफ्ते,
हमने एक रॉकेट भेजा अंतरिक्ष में, 100 से ज्यादा सैटेलाइट, तो आप फॉलो करती हैं स्टोरी, आपको जिज्ञासा है कि आखिरकार अंतरिक्ष विज्ञान क्या है? यस, एस्ट्रोनॉमी इज ऑल्सो माय फेवरेट सब्जेक्ट. आई वांट टू एक्सीड माय साइंस नॉलेज, नॉट ओनली टू बुक्स, टू विजुअल्स एंड टू वीडियोज दैट आर गोइंग अराउंड, एंड जनरल नॉलेज अबाउट साइंस एंड ऑल दैट. आई लाइक टू परस्यू दैट एजुकेशन. ये बहुत अच्छा है. अनुपमा मैम, आपसे जानना चाहूंगा, किसी विद्यार्थी में क्या हुनर है ये पहचानने में आप शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका देखती हैं? थर्ड आई है हमारा, आई सपोज दैट्स वेयर वी एक्सेल. और विद टाइम क्लास में बैठते हुए, बात करते हुए, एज अ क्लास टीचर मॉर्निंग के सेशंस लेते हुए, आप अपने आप पता चल सकता है दैट विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इज मोर इंक्लाइंड टू. जी, तो अगर हम सिली मिस्टेक्स पर आए, क्योंकि हम सभी सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा? आप बताइए, क्या सिली मिस्टेक्स करते हैं आप, क्या मिस्टेक्स करते हैं, या बच्चे आखिरकार गलतियां कहां करते हैं एग्जाम में? एक्चुअली सर, आई वॉन्ट टू से दैट एवरी चाइल्ड हैज हिज कंसेप्ट क्लियर इन द माइंड, बट वेन ऑन द पेन एंड पेपर टेस्ट हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि हम खुद सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, और बाद में पछताते भी हैं कि हमें याद आता हम ये क्यों नहीं कर पाए. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर फेसिंग नाउ डेज, एंड इट वी शुड वर्क अपॉन दैट. जी, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लिख के प्रैक्टिस करें. जी, सिली मिस्टेक जो आपने की हो एग्जाम में? यूजली मैथ्स में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं कि आप टू की जगह फोर लिख रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ट्राइंगल्स के नेम लिखने में, और वो एक चीज के लिए आपको वन मार्क, फोर मार्क्स एक क्वेश्चन में कट जाता है, तो लेटर ऑन यू रियलाइज की क्या कर दिया. सिली मिस्टेक दैट यू हैव डन एंड देन रिग्रेटेड लेटर. मैथ्स में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है. हर बार मेरे को मम्मी और पापा और जो भी मेरे टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट सिली मिस्टेक्स की वजह से यू लूज मार्क्स. तो अब बदलाव आया आपका नए साल में? आई एम ट्राइंग टू कमिट लेस सिली मिस्टेक्स. आप सिली मिस्टेक क्या करती हैं? जनरली मेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हो जाती है, कभी मैथ्स में हो जाती है, कभी साइंस में हो जाती है. एक्चुअली कुछ टर्म्स होते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं, हम वो मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हम मार्क्स लूज कर लेते हैं. जी मैडम, आप संस्कृत पढ़ाती हैं, संस्कृत में भी लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं? क्योंकि मुझे याद है जब हम पढ़ते थे संस्कृत और जीके दो ऐसे विषय होते थे जिसमें 100 में 100 ले आते थे. हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि संस्कृत में उनको शब्द रूप धातु रूप याद करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो उसमें वो गलतियां कर जाते हैं. फिर अगर अच्छी तरह ना बताया हुआ हो उन्होंने कि किस तरह से इसका फार्मूला, वो भी मैथ्स की तरह है. अगर संस्कृत को हम देखें कि अगर संस्कृत को मैथ्स की तरह फार्मूला वाइज याद करें तो इजी रहेगा, लेकिन उसमें भी गलती कर जाते हैं. जी पूनम मैम, थोड़ा बताइए कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो एक लिस्ट बना लें कि ये बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब कॉन्शियस एक एफर्ट रहेगा वी विल नॉट मेक दोज मिस्टेक्स. देखिए, सबसे पहले जो जनरली स्टूडेंट्स डू इज क्वेश्चन नंबरिंग में गलती कर देते हैं. जहां ही वो क्वेश्चन नंबरिंग में गलती करते हैं तो वो किसी ना किसी क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं. okay. या ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड थर्ड क्वेश्चन को सोचा कि भी नहीं आ रहा आंसर, लास्ट में करेंगे, एंड देन दे मिस अपॉन दिस. फिर एक कंपेयर कंट्रास्ट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. अब बच्चा से लेट्स से होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स हैं अब इनके कोर्स में, तो बच्चा ऊपर हेडिंग तो सही लिखेगा. हाँ. लेकिन नीचे जो होगा वो क्या करेगा, स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट मैंने सारा ठीक लिख दिया था, वो उल्टा कर दिया था, तो जीरो मिले, बड़ा दुख हुआ. देन यू एंड अप गेटिंग जीरो. पर मैम बायोलॉजी में अगर बात करें, अधिकांश नंबर हमारे मिस होते हैं डायग्राम्स में, तो वहां हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनसे बचना होगा? बायो में सबसे पहले जो मिस्टेक हम करते हैं, आजकल पेपर इस तरह का आता है कि बहुत सारे ग्राफ, पाई चार्ट्स और डायग्रामेटिक बेस होता है, तो उनको हम ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि पूछा क्या गया है. दूसरा, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ये नहीं सिर इतना बड़ा बना दिया और टांगे इतनी छोटी हो गई, तो वो गड़बड़ हो जाती है. लेबलिंग प्रॉपर एंड बिलो द डायग्राम यू शुड मेंशन व्हाट इज दैट डायग्राम इज ऑल अबाउट, लाइक फिगर टू रिप्रेजेंट दिस. हम सोचते हैं हमने आंसर नंबर लिख दिया, नाउ इट इज एग्जामिनर्स हेडेक, वो अपने आप देख लेंगे. यू हैव टू राइट इट डाउन. थर्ड मिस्टेक कॉमन बायो में, यहां वहां कई जगह पे 4-5 और मोर देन टाइम्स यू हैव टू राइट साइंटिफिक नेम्स. 6 से पढ़ते आते हैं बच्चे, देन टू वो अंडरलाइन करना सेपरेटली. साइंटिफिक नाम को मुझे अंडरलाइन करना होगा सेपरेटली, जीनस और स्पीशी अंडरलाइन होना चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डिडक्ट मार्क ऑल दो योर आंसर इज राइट. ये जो मिस्टेक्स हैं ये डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं जब हम पेपर चेक करते हैं, और हर बार मेंशन करते हैं, फिर भी काफी बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं देते. तो मैम आप प्रिंसिपल हैं, क्या स्कूल में अब जैसे कम दिन रह गए हैं काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की हो बच्चों की हो? तो हमारी काउंसलिंग क्लास 11 से स्टार्ट हो जाती है. वी स्टार्ट द स्ट्रेटजी राइट फ्रॉम क्लास 11. कंटिन्यूअस पीटीएम्स, कंटिन्यूअस रेमेडियल्स राइट फ्रॉम क्लास 11. वी स्ट्रेटजाइज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर साइंस, फॉर कॉमर्स, फॉर ह्यूमैनिटीज, इवन फॉर वोकेशनल, बिकॉज देर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट वेरी सीरियस. एंड राइट नाउ व्हेन द एग्जाम, लाइक दीस चिल्ड्रन आर लकी,
they're getting 9 extra days for the board exams to begin. Yes. Which has never happened. So I think they're getting 9 days. 9 days maine rakhta hai. And if they plan out their things in this 9 days also, the whole results can be altered. Well, they're very lucky. Not only they have 9 extra days, their exams are also finishing before the Holi. Mm-hmm. So that is really nice. Yes, your question. I want to ask that in SST, often students mug up the answers. They do not understand them. So, and then in the exams, they panic and they forget the answers. जी आप मगब करते हैं एसएसटी में? यस यस आप भी मगब करते हैं जी. एक आप में से बता रहे थे आपका पसंदीदा सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है. हाँ आप तो आपका तो पसंदीदा सब्जेक्ट है. तरीका बेस्ट क्या है सोशल स्टडीज को समझने का? जी हमें पहले उनका मतलब देखना चाहिए, सारी डेट्स वगैरह सब याद करनी चाहिए हमें. लिस्ट मतलब टिप्स यही है कि लिस्ट बनानी चाहिए कि पहले इसकी डेट को ये हुआ था. और जैसे कभी कभी फेसबुक पे जोक आता है, मौर्य अंपायर कब से था जी? पेज नंबर 13 से लेकर 36 तक था. ऐसे तो नहीं करते? ऐसे नहीं करते. रश्मि मैम, सोशल स्टडीज की तैयारी कैसे करें? एक्चुअली सब्जेक्ट बहुत लोगों को बहुत ड्राई लगता है. दैट इज बिकॉज प्रोबेबली इट इज नॉट बीन हैंडल्ड वेरी वेल. हैड सोशल साइंस बीन टॉट इन अ वेरी ड्रामेटिक मैनर और इन समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत लाइव उसको करा गया है थिएटर के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, इन मेनी मेनी मेथोडोलॉजीज. सो इफ अ चाइल्ड डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, देन इट्स वेरी इजी बिकॉज दे लैक इन इट टेंड्स टू बी थ्योरेटिकल, टेंड्स टू बी अ लॉन्ग आंसर. सो दैट ऑल्सो मेनी टाइम्स चिल्ड्रन गेट स्केयर्ड ऑफ. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज बीन डेल्ट विद इन द क्लास. एंड इफ स्टूडेंट्स लर्न दिस, डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, they'll do much better in social. बिल्कुल सही. रीडिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग और बहुत जरूरी है कि जब हम पढ़े पूरी रुचि से पढ़े कि आखिरकार क्या लिखा है उसमें. और एक बार आपको रुचि आ गई तो नंबर अपने आप आ जाएंगे. लेकिन हमारा फोन नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 0112309 7524. आज हम बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सीजन के लिए हम किस तरह से बेहतर तैयारी कर सकते हैं. युवा ऑडियंस हमारे साथ है. आपका प्रश्न. मैम हमारे पेपर में मैथ्स या साइंस के पेपर में यूजुअली 20% टू 30% हाई ऑल्टर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आते हैं, हॉट क्वेश्चन. हम उनको मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जी मैम, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? अनीशा मैम, मिनिमम टाइम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक राइट टाइम होता है. जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का हो उसके 1.5 से 2 times से ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना. अगर वो 1 number का है तो आप 1.5 से 2 minutes से ज्यादा नहीं लगाएंगे. ये एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, तभी आप एक 70 मार्क्स के पेपर को ऑलमोस्ट 140 मिनट्स या 150 मिनट्स में करके 30 मिनट्स फ्री रहेंगे रिवीजन के लिए. तो ये एक स्ट्रैटेजी तब आएगी जब आप पेपर्स को लिख करके, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लिख करके सॉल्व करेंगे. जी, उसी से ही टाइम मैनेज हो पाएगा. आप जोड़ना चाहती थी? देखिए, दो चीज होती है, एक होता है कंटेंट रेडी होना और एक होता है एग्जाम रेडी होना. सारा कुछ सिलेबस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आप कंटेंट रेडी हो. लेकिन जब तक आप एग्जाम में जाने से पहले 2, 3, 4, जैसे ये 9, 10 के बच्चे हैं, तो ये अगर 3, 4 पेपर भी लगा के जाते हैं सॉल्व, कोई सैंपल पेपर्स उठाया, लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर्स उठाए, जब तक ये सॉल्व करके नहीं जाएंगे तब तक ये पूरी तरह से एग्जाम के लिए रेडी नहीं है. तो जैसे हम कहते हैं क्रिकेट से पहले मैच प्रैक्टिस हो रही है, तो 3 घंटे लगातार बैठ के एकाग्रता बनानी बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब ये बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या इस तरह से एग्जाम अपेयर करने जा रहे हैं, तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये बैठ करके एग्जामिनेशन रेडी होकर के ही जाएं. जी, तैयारी बहुत जरूरी है. इस समय दिल्ली से राजेश है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं. हेलो राजेश जी, सवाल पूछिए प्लीज. हेलो सर, आई हैव सम प्रॉब्लम इन इंग्लिश व्हाइल आई एम सॉल्विंग अ पैसेज, अनसीन पैसेज लाइकली. सो एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड. सो प्लीज जी, कैन यू स्पेसिफिकली टेल अस व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन इंग्लिश? My problem is to solve in unseen passages. Yes, Surekha ma'am, can you guide? Yeah. Well, unseen passages, there are about 3 unseen passages in the exam, and I think first thing they should do is just read through it once, and then after that read the questions, because once when we read it, like, it's just for glancing to know that what that passage is about. Then second time when you read after reading the questions, then you know that what you have to focus on, and then I think you'll be able to solve. So ma'am, since English is always the first paper in the board exam, what is the objective that the examiner has in the mind when the passage is given? Yeah, the main idea, I think the main thing is what is there in the mind is that they should know, the child should be able to understand. We are checking out understanding and not anything else, and what that is the basic idea of doing these passages. So read it like a story. Yeah, read it like a story, and then answer the question. And usually what children do is they don't read the passage, they just straight away go to the questions. So it's one thing, like, firstly they should read the passage glancing and read the questions, and then they should read the passage
and then they'll be able to answer. Right, and I think it also ties up to what Rashmi ma'am was telling earlier, that it's essential that we develop the habit of reading, because reading, listening, speaking, writing, these are the four forms of learning that we need to focus on. Yes, aapka sawal. My question is that we are often suggested to learn such reference books, and there are a number of reference books which have different answers for the same questions. So what for which for which book we have to refer for each subject? But Manisha ma'am, aapka jo answer tha, stick to NCRT, is that your recommendation? Stick to NCRT, practice ke liye aap ek book rakhiye, answer aap aisa kariye ki aap usse discuss karke apne aap answer aapka hona chahiye, kisi aur book ka nahi hona chahiye. Aap us answer ko jab bhi aap kare, तो आप ये देखिए कि आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, और फिर आप उसको खुद का आंसर बनाइए, ताकि आपको किसी बुक को ना देखना. दो तीन बुक्स पढ़ ली कोई बात नहीं, आप बीच का रास्ता निकालिए, खुद का आंसर जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करता हो, क्योंकि आपने खुद बनाया तो इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी, और बात फिर वहीं आती है कि एक बार मुझे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई और भाषा में मेरी पकड़ है तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ. इस समय पश्चिम बंगाल चलते हैं रश्मि मैम, जहाँ से पल्लवी जी हैं फोन लाइन पर. हेलो, मैं जब एग्जाम में देने जाती हूँ तब उसमें प्रिपेयर होकर जाती हूँ, फिर भी मुझे बहुत डर लगता है. तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं किसी मैंने कैसे मैं डर को मेरे माइंड से भगाऊंगी. जी, डर किस चीज का है पल्लवी जी, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? लेकिन मुझे मैंने मैं प्रिपेयर होकर जाती हूँ, फिर भी मुझे बहुत मेरे माइंड से ये डर नहीं जाती है. मुझे इसके बाद मेरे मतलब वो जो आउटकम होती है वो बहुत गलत आता है, तो इसके बाद मुझे दर्द होता है. तो जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए. ये सब हमारे साथ भी होता है, डर भी एक नेचुरल इमोशन तो है, लाजमी है. तो रश्मि जी, फिर कैसे हम जैसे हाउ डू वी एड्रेस द सिचुएशन? आजकल के बच्चों का थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान, आई मीन दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है. If they start meditating for some time, if they start internalizing a lot of things, sit down quietly for 5-10 minutes, even before the beginning of the examination. In fact, all board examination have 15 hours reading time. 15 minutes. Yes, that can be utilized for reading and also to calm down your own nerves before you start attempting. तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि आप बहुत calm अगर internally feel करेंगे तभी आप किसी चीज को काम नहीं कर पाएंगे. डर एक मन की व्यवस्था है और आई थिंक इट कैन बी ओवरकम वेरी इजिली. बिल्कुल, और ये रेसिपी मैंने खुद भी अपनाई है. जब भी हम भूल जाते हैं, आप पेन बंद कर दीजिए, आंसर शीट बंद कर दीजिए और सांसें चलने दीजिए. मनीषा जी, सांसें बंद नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये ब्रेथ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टूल है. मैं डर के उसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि एक रामायण में कहा गया है भय बिन प्रीत न हो, तो थोड़ा भय भी जरूरी है क्योंकि उनकी तैयारी है इसलिए ज्यादा डर है. मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, उनकी तैयारी इसलिए थोड़ा डर है. नर्व्स को होल्ड करने का वही तरीका जो मैंने आपको 5 एम्स बताया, मेडिटेशन इज मस्ट. आप जिसको मानते हैं 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, उसका ध्यान कीजिए और उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि जो याद किया है वो याद रहे, भूलू ना. बिल्कुल जी. क्योंकि पर्सनल अपना वो बता रही हूँ, फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम था 12th में, बहुत डर लग रहा था कि ना जाने क्या वाइवा में पूछा जाएगा. अचानक से पता नहीं एग्जामिनर के सामने जाते ही दिमाग में उस समय मेरी जंग मूवी आई थी जीत जाएंगे हम का ख्याल आ गया. अच्छा. एंड आई कैन नॉट टेल यू दैट एग्जामिनर के सामने वाइवा के तो कितने क्वेश्चन मुझे नहीं आया, एक आध मुझे नहीं भी आ रहा था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है आई वॉज सिटिंग एंड आई फेल्ड थ्रू. तो मुझे हर दिन वही मुझे लगता है कि बच्चों को में भी शायद आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट और आई एम दी बेस्ट, ये चीज अंदर लेके जाए जो भी आता है. अब तो बिल्कुल बिल्कुल वो सही तो फिर खैर वहाँ है ही है. बिल्कुल, सो दे आर गोइंग टू फेल. एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरीबडी हैज टू प्ले टू हिज और हर स्ट्रेंथ. एक और कॉलर है पश्चिम बंगाल से ही, आइए उनका सवाल लेते हैं. हेलो. हेलो जी, सवाल पूछिए प्लीज. यस, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग केमिस्ट्री. यस, गो अहेड. आई वांटेड टू आस्क दैट इन केमिस्ट्री देयर आर सेवरल इक्वेशंस एंड इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द इक्वेशन एट अ टाइम, सो इज देयर एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस or any particular way to memorize or any other way just to remember all the equations, the difficult equations of the chemistry? Right. मैम, दैट इज इशिता फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ये इक्वेशन, आईयूपीएसी नेम और वो पीरियोडिक टेबल, मैडम कभी समझ ही नहीं आया. नहीं, केमिस्ट्री इतनी भी जंगल नहीं है जितनी वो. इट इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. इक्वेशन है तो लिखकर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. कुछ वैलेंसी यहाँ 2 लगा दिया, 4 लगा दिया, इसके पीछे बकायदा साइंटिफिक तर्क है. बिल्कुल साइंटिफिक तर्क है, और वो बच्चा केमिस्ट्री का है तो उसको ये सब बातें पता भी होंगी, लेकिन सिर्फ रिएक्शन से घबराना नहीं है क्योंकि रिएक्शन का और कोई तरीका नहीं है. यू विल हैव टू यू नो राइट एंड प्रैक्टिस राइट. और अगर स्ट्रैटेजी बना करके शुरू से चल रहे कि इस चैप्टर के लिए इतना टाइम, आई डोंट थिंक सो इन दी एंड. पैनिक जरूर बच्चे में होता है, लेकिन दे विल यू नो अल्टीमेटली राइट
ये तो तय है कि एग्जाम हमने देना है भाई, पूरे साल मैंने तैयारी की है, मैं बिना एग्जाम दिए कैसे जानूंगा कि मेरे में अंदर क्या हुनर है। हमारे पास 3 मिनट शेष रह गए हैं, सिर्फ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन बताइए कि एग्जाम में और अच्छा कर सके, सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? जी मेरे हिसाब से पहले से ही, जैसे मैम ने कहा, बाकी गेस्ट ने कहा कि हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एंड अच्छे से हमें प्लान आउट करना चाहिए, पहले से रिवीजन करनी चाहिए एंड जो वो टाइम बचा हुआ है उसमें हमें लर्निंग अवॉइड करके रिवीजन ज्यादा करनी चाहिए। जी आप बताइए सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, हमें जैसे साइंस का पेपर है तो हमें उसके अंदर ज्यादा ध्यान कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देना चाहिए और ज्यादा पिछले साल के जैसे मामले वाला क्वेश्चन देखने चाहिए जिससे कि हम सॉल्यूशन बनाते हैं प्लान। हाँ बनाते हैं, पिछले 20-25 सालों से प्लान बनाते हैं आप अभी तक। जी आपके पीछे जो बैठे हैं, सॉल्यूशन मेन तैयारी तो पूरे साल से चलती है, एकदम से हम सारा कुछ नहीं कर सकते तो, पर अगर फिर भी हमें अगर कुछ करना है तो हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जी सॉल्यूशन। हमें रात को ज्यादातर बच्चे देर रात तक पढ़ के सुबह लेट उठ के पढ़ रहे हैं, इट्स बेटर कि आप सुबह जल्दी उठ के वो चीज पढ़िए बिकॉज वो ज्यादा अच्छे से याद होती है। जी आपसे जानना चाहूंगा सॉल्यूशन बताइए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है अब जब एग्जाम में हम सबको बैठना है तो? हमें एग्जाम में बैठना है तो बहुत ज्यादा पैनिक होता है, पहले से ही टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पूरे टाइम टेबल बनाना, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टाइम टेबल बना दिया एंड अलमारी पे पेस्ट कर दिया हो गया खत्म, दैट नॉट मैटर, उसको हमें और फॉलो करना चाहिए, अमल भी करें। जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया। हमें टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम पहले लर्न करें फिर उसको रिवाइज करना चाहिए ताकि हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़े। जी तो चलिए हमें समझ तो आ गया रश्मि जी, चलते चलते बता दीजिए जो एडमिट कार्ड ले जाना है, समय से पहुंचना है, उस पर भी हम लापरवाही ना करें। बिल्कुल, और यहाँ पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दे हैव टू फाइंड टाइम, दे हैव टू मेक द चाइल्ड वेरी कंफर्टेबल, दे हैव टू इंश्योर दैट द चाइल्ड हैज केप्ट एवरीथिंग विद देम, बच्चे तो करेंगे ही, पेरेंट्स का भी बहुत मेजर रोल। और स्कूल में पानी का व्यवस्था है, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई उसकी व्यवस्था रहती है। आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हर स्कूल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे उनके पास आए हैं उनको एक इतना कंफर्ट जोन दिया जाए ताकि वो कंफर्टेबली दिए एग्जाम करके जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली हर बच्चा हमारा है। हर बच्चा हमारा है, वननेस की ये बात है और ये तालियां हैं इस बात की सूचक कि हम सब मिलकर अच्छा ही करेंगे इन इम्तिहानों में, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए रश्मि मैम, अनिशा मैम, पूनम मैम, सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।